Once again on my YouTube channel, I hope you will be fine. So guys, today once again welcome to you on my YouTube channel Farmer Hub. So guys, today we will discuss about raw material for the gelatin capsules. तो आज हम बात करेंगे इसके लेक्चर के बारे में. तो गाइस, जैसे आपको पता है, इस सेशन में हमारा टॉपिक चल रहा है कैप्सूल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं. लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ कैप्सूल की, और उससे लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इंट्रोडक्शन ऑफ कैप्सूल में. तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज इफ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. तो गाइस, आइए हम बात करते हैं रॉ मटेरियल फॉर जेलेटिन कैप्सूल. तो रॉ मटेरियल जेलेटिन कैप्सूल्स में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा लास्ट लेक्चर में रिवाइज कर लेते हैं. गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ कैप्सूल्स के बारे में. टाइप ऑफ कैप्सूल में हमने बात की थी गाइस सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में और हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में. तो गाइस, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल और हार्ड जेलेटिन कैप्सूल के बारे में हमने एक्सप्लेन किया था वहाँ पर, और फिर हमने उसमें बात की थी उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में, कि मतलब जो हमारा कैप्सूल्स होता है उसमें एक पार्ट बॉडी होता है और एक पार्ट उसमें कैप होता है. तो गाइस, उसके बाद हमने बात की टाइप्स ऑफ जेलेटिन में. टाइप्स ऑफ जेलेटिन में हमने बात की थी कि जो हमारा जेलेटिन होता है वो क्या होता है, उसमें एक मेन कंपोनेंट होता है कैप्सूल का. उसमें क्या करते हैं हम, जो हमें जेलेटिन मिलता है कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम, किसी पॉप से और पिग से या स्किन से, और उसकी ऑक्स की या बोन से या लिगामेंट से टेंडन से हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, किसको, जेलेटिन को. फिर हमने उसमें बात की थी कि हमारा जो जिलेटिन होता है टू टाइप्स का होता है, टाइप ए होता है और टाइप बी होता है. तो टाइप्स ए में क्या होता है गाइस, टाइप ए में हमारा जो जिलेटिन होता है वो हमारा क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं उसकी, तब हमको मिलता है. और हमने बात की थी फिर बी में हमें क्या करते हैं, टाइप बी में, कि हम उसको क्या करते हैं, क्यों बेसिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तब हमको जिलेटिन मिलता है. तो गाइस, इस लेक्चर में हम बात करें जो रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल में. तो गाइस, उसमें हम बात करेंगे जिलेटिन की, प्लास्टिसाइजर की, कलर्स की, कलरेंट्स की, और बात करेंगे इसकी प्रिजर्वेटिव्स की और एंट्रिंग मटेरियल की. तो गाइस, आइए इस बारे में इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं हम जिलेटिन की. गाइस, जैसे आपको पता है कि जिलेटिन के बारे में हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो वही जिलेटिन हम उसमें यहाँ पे यूज़ करते हैं. तो उसमें हमने कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे कहाँ कहाँ से मिलता है जिलेटिन हमको, बोन से मिलता है, स्किन से मिलता है, लिगामेंट से मिलता है, टेंडन्स वगैरह से हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो गाइस, अब बात करते हैं हम प्लास्टिसाइजर्स की. प्लास्टिसाइजर्स क्या होते हैं, जैसे आपको पता है जो प्लास्टिसाइजर हम यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल्स में, क्यों यूज़ करते हैं, जो हमारे कैप्सूल्स होते हैं उनको सॉफ्ट करने के लिए, उनको फ्लेक्सिबल करने के लिए हम प्लास्टिसाइजर्स का यूज़ करते हैं. तो उनको हम सॉफ्ट करने के लिए प्लास्टिसाइजर का यूज़ करते हैं. फिर बात करते हैं उसकी कलरेंट की. कलरेंट क्या होते हैं गाइस, जैसे आपको पता है कि मेरे टैबलेट में भी कुछ किया गया था, आपको कलरेंट्स के बारे में बताया था, कि मतलब हमारे क्या होते हैं कुछ फिक्स कलर होते हैं जो हम यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल्स या टैबलेट में यूज़ करते हैं. जैसे कि यहाँ पे क्या, एक मेन पिगमेंट होता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, और क्या होता है एक इंडिगो क्रेमाइन होता है, जो क्या होता है एक मेन पिगमेंट होता है, जो क्या येलो और ऑरेंज कलर हमको प्रोवाइड कराता है. फिर गाइस, बात करते हैं प्रिजर्वेटिव्स की. प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव आर दोज केमिकल कॉम्पोनेंट्स विच आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल इन द इनहिबिशन ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ, मतलब माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने के लिए, कंटामिनेशन को रोकने के लिए हम प्रिजर्वेटिव का यूज़ करते हैं. फिर बात करते हैं एंट्री कोटिंग मटेरियल की. एंट्री कोटिंग मटेरियल, जैसे आपको पता है जो हमारे एंट्री कोटिंग कैप्सूल्स होते हैं उनमें हम यूज़ करते हैं एंट्री कोटिंग मटेरियल. एंट्री कोटिंग मटेरियल क्या होते हैं गाइस, जो हमारे कैप्सूल्स लेते हैं वो क्या होते हैं, एंट्री कोटिंग कैप्सूल्स होते हैं, वो हमारे डायरेक्टली डिजोल्व होते हैं, इनका डिसइंटीग्रेशन होता है हमारा कहाँ पर, इंटेस्टाइन में. इसलिए हम उनको क्या करते हैं, उनको स्टमक में उन पर कोई असर नहीं पड़ता, तो इसलिए हम उसको एंट्री कोटिंग करते हैं. तो गाइस, यहाँ तक थे हमारे जो हमारे कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं रॉ मटेरियल जेलेटिन कैप्सूल्स में. तो गाइस, अब हम बात करते हैं हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स की. हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में सबसे पहले हम पहले बात करते हैं जो हार्ड जेलेटिन होता है हमारा, हार्ड जेलेटिन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे. तो गाइस, हार्ड जेलेटिन क्या होता है, ये क्या होता है, ये हमारा इट कंसिस्ट ऑफ प्लास्टिसाइजर, वाटर एंड जेलेटिन. इसके अंदर हमारे क्या होता है, हार्ड जेलेटिन में प्लास्टिसाइजर्स होते हैं हमारे, और क्या होते हैं हमारे, वाटर होता है और हमारा जिलेटिन होता है, ये होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के अंदर. फिर इसमें क्या कहा है इसने, इसका जो एवरेज मोलिकुलर वेट होता है वो कितना होता है, वो 20,000 to 2 lakh इसका मोलिकुलर वेट होता है. तो गाइस, फिर इसने क्या कहा है, द टू पॉपुलर ग्रेड्स ऑफ जिलेटिन. इसमें क्या कहा है इसने, जो दो पॉपुलर ग्रेड्स ऑफ जिलेटिन, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे कि टाइप ए और टाइप बी, तो उसी को उसने यह कहा कि इसमें क्या होता है कि दो पॉपुलर ग्रेड होते हैं जिलेटिन की, जिसको हम फार्माजेल ए कहते हैं और फार्माजेल बी कहते हैं. जो फार्माजेल ए हमारे पास गाइस, उसमें जो पीएच कंडीशन होती है उसकी 4.8 to 5.2 तक उसकी पीएच कंडीशन होती है. फिर जो फार्माजेल बी होता है हमारे पास, उसमें जो पीएच कंडीशन होती है वो कितनी होती है, 6.5 to 9.5 ये हमारी पीएच होती है, जिसको हम हमको मेंटेन रखना पड़ता है. तो गाइस, इस लेक्चर में हम इतना ही बात करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, फर्दर बात करेंगे हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स के बारे में और हार्ड जेलेटिन के बारे में. तो गाइस, इस लेक्चर में इतना ही करते हैं. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, एंड इफ यू वांट टू एनी इंप्रूवमेंट तो यू कैन सजेस्ट एंड कमेंट. एंड गाइस, थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग.